Serena. हेलो दोस्तों, हॉरर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं हैंडमेड टेल सीजन 5 के एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप पुराने एपिसोड को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको ये सीरीज स्टार्टिंग से समझ आ पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाइये वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या जून और जॉन एलिजाबेथ की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे? क्या जून सेरेना को जिंदा छोड़ देगी? और क्या सेरेना को वापस गैलेट में जाना पड़ेगा? यही हमें आज के इन एपिसोड में पता चलने वाला है। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जून से, जिसे लिली से एलिजाबेथ की कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर एक कॉल आता है। मोरिया, जून और जॉन लिली से मिलने के लिए निकल जाते हैं और गैलेट का जेडोन नाम का एक गार्ड एलिजाबेथ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता था। जेडोन उनसे मिलने के लिए बॉर्डर के इस पर आने वाला है और रास्ते में वे सब बहुत सारे प्रोटेस्टर को देखते हैं, जो कि रेफ्यूजीज को कनाडा से बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस तरफ सेरेना लियोनिस के घर में थी और उसके सेफ्टी के लिए उसको घर के बाहर जाने नहीं दिया गया था। घर के सभी लोग सेरेना के साथ में बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे और एज़रा हर टाइम सेरेना का ध्यान रखता था। दूसरी तरफ जून, जॉन और मोरिया जंगल के बीच उसी केबिन में जाते हैं जहाँ पर लिली रहती थी, लेकिन लिली से उनको पता लगता है कि जेडोन बॉर्डर पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रोटेस्टर की वजह से बॉर्डर पर आर्मी भरी पड़ी थी और इस टाइम बॉर्डर को पार करना जेडोन के लिए खतरा हो सकता है, और अब कनाडा के प्रोटेस्टर से भी उनको खतरा है। तो इसीलिए लिली भी दूसरी जगह छुपने के लिए जा रही थी। लिली की ये बात सुनकर जून बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होती है कि तभी जॉन खुद बॉर्डर पार करके जेडोन से मिलने की बात करता है। एलिजाबेथ उनसे कुछ ही कदम दूर थी और अभी भी उन लोगों ने एलिजाबेथ को निकालने की कोशिश नहीं की थी, और अगर अब भी उन लोगों ने एलिजाबेथ को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की तो उसको भी गैलेट में वाइफ बनाकर वही सब सहना पड़ेगा जो कि जून ने सहा था। लेकिन यहाँ पर जून भी जॉन के साथ में जाने वाली थी। दोनों बॉर्डर पार करके जेडोन से मिलने के लिए निकलते हैं और लिली जून और जॉन को रास्ता समझाकर उनको एक मैप भी देती है और वो उनको सही आदमी से मिलने के लिए एक कोडवर्ड भी देती है, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी के लिए एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि कोडवर्ड से बुलाया जाता है। फिर रास्ते में जून उसी टाइम को याद करती है जब वे लोग एलिजाबेथ को लेकर गैलेट से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब जून से एलिजाबेथ को छीन लिया गया था और वे सभी अलग हो गए थे। रास्ते में दोनों को एक आदमी की लाश मिलती है जिस पर रेपिस्ट लिखकर उसे लटका कर रखा गया था, लेकिन गैलेट ऐसे वर्ड लिखकर किसी को सजा नहीं देता था और वो लाश कहाँ से आई थी और वो किसकी थी इसका उनको भी कुछ भी नहीं पता था। इस तरफ सेरेना से मिलने लियोनिस की कुछ फ्रेंड्स आई हुई थी और उन सभी ने एक बेबी पाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी बेबी नहीं मिला था। सेरेना को प्रेग्नेंट देखकर वे सभी कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। अब सेरेना को गैलेट में अपना वही टाइम याद आता है जब वो और कुछ वाइफ्स बच्चों को देखने गए थे। उन बच्चों को जून जैसी औरतों से छीन लिया गया था और उनको कुछ अमीर लोग यहाँ पर अथॉरिटीज के कुछ लोग आकर चाहे तो अडॉप्ट कर सकते थे। पहले सेरेना किसी भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी और ना ही वो किसी हैंडमेड की हेल्प लेना चाहती थी, और वो बस फ्रेड के साथ ही बेबी को पाने का ट्राई कर रही थी। अगले दिन जून और जॉन को जंगल के बीच में एक आदमी मिलता है और वे लोग कोडवर्ड एक्सचेंज करते हैं। वो आदमी जेडानी था और जून और जॉन वहीं पर एलिजाबेथ के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन जेडन के मुताबिक वहाँ पर खतरा था तो जेडन उनको उसके साथ में उसका सेफ प्लेस पर चलने को कहता है। वे दोनों भी जेडन की बात मानकर उसको फॉलो करने लगते हैं। फिर कनाडा में सेरेना के लिए गैलेट से एक कॉल आता है और सेरेना लियोनिस को भी कॉल पर बात करने को कहती है, लेकिन लियोनिस के मुताबिक वाइफ्स को बिजनेस और बाहर की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सेरेना फिर कॉल पर बात करने लगती है और कॉल पर मिस्टर लॉरेंस और कालते कनाडा में जो भी गैलेट की प्रॉपर्टी थी जिसे बंद कर दिया गया था उसके बारे में मिस्टर लॉरेंस और कार्ल सेरेना से पूछते हैं, लेकिन ये सब प्रोटेस्टर जून और जॉन की वजह से ही हुआ था और इसमें सेरेना कर भी कह सकती थी। सेरेना के मुताबिक उनको जून को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस उस प्रॉपर्टी को फिर से ओपन करने की कोशिश करने वाले थे और सेरेना अपने आइडिया के बारे में उनको बताती है,
कि उसे दुनिया को गिलेट के बेबी और उनके पोर्ट्रेट के बारे में बताना चाहिए, न कि गिलेट की दूसरे इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर लोग गिलेट की वुमन की फर्टिलिटी के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर लोगों को गिलेट का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन काल सेरेना की बात पर ध्यान नहीं देता है और सेरेना की बात को बीच में ही वो फ़ोन पर काट देता है। कार्ल बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करना चाहता था ताकि गिलेट का कोई भी बाहर न जा सके और ना ही गिलेट का कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। लेकिन मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक अगर उन लोगों ने पूरे तरीके से बॉर्डर को बंद कर दिया तो गिलेट की हालत बहुत बुरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फूड सप्लाईज दूसरे देश से यहाँ पर आया करते हैं। इधर जेडॉन जून और जॉन को छुपा कर बार में लेकर आता है और वहाँ पर जेडॉन एलिजाबेथ के बारे में बताने लगता है। जेडॉन के मुताबिक एलिजाबेथ अब एक वाइफ स्कूल में है जहाँ पर सिर्फ वाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर लड़कियों की बहुत केयर की जाती है और वहाँ की ट्रेनिंग बहुत जल्दी ख़त्म की जाती है क्योंकि अथॉरिटीज़ को जल्दी लड़कियों की शादी करा देनी होती है। एलिजाबेथ की यूनिफॉर्म का जो कलर है उसको देखकर यह लग रहा था कि एलिजाबेथ की भी जल्दी शादी करा दी जाएगी। उस स्कूल तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि आर्मी हर समय उस स्कूल को गार्ड करती थी। एलिजाबेथ सिर्फ 12 साल की थी तो इसीलिए जून और जॉन को उसकी बहुत चिंता होने लगती है। दोनों एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने वाले थे और जेडॉन उनको रात तक रुकने को कहता है। इस टाइम वहाँ से निकलना उनके लिए खतरा हो सकता था तो जेडॉन की बात मानकर दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। तो अब रात का टाइम बिताने के लिए वे सभी वहाँ पर गेम खेलने लगते हैं। जेडॉन का गलेट में कोई भी नहीं था और नए लॉक के बाद उसके फादर को भी मार दिया गया था। तब जेडॉन बहुत ज़्यादा छोटा था। जून ने कभी भी गलेट में इतने काइंड गार्ड को नहीं देखा था और कुछ टाइम में दोनों की जेडॉन से अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ सेरेना के लिए दूसरे सपोर्टर ने बहुत सारे फ्लावर भेजे थे और सेरेना उनमें से एक औरत से गेट के बाहर जाकर मिलना चाहती थी, लेकिन अज़रा उनको जाने नहीं देता है। सेरेना की सेफ्टी के लिए उसको घर के अंदर रहने के लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और सेरेना को अब हैंडमेड के जैसे खेत में रहना फील हो रहा था। सेरेना को अपने पास्ट की बातें याद आती है जहाँ पर वो एरिका के पास पहली बार हेलमेट को चुनने के लिए गई थी। सेरेना को अपने पति को किसी और के साथ में बांटना नहीं था, लेकिन एक बेबी को पाने के लिए सेरेना एक हेलमेट को चुन लेती है। अब प्रेजेंट टाइम में सेरेना पहली बार उस घर के मालिक रायन से मिलती है और रायन से सेरेना को पता चलता है कि कनाडा ने जो गिलेट की प्रॉपर्टी बंद कर दी है उस पर अब गिलेट की अथॉरिटीज़ फर्टिलिटी सेंटर बना देगी और तब प्रॉपर्टी को फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। सेरेना फिर से काम चालू करना चाहती थी, लेकिन रायन सेरेना को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करने को कहता है। सेरेना फ़ोन पर ही काम करने के लिए रायन से एक फ़ोन मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी इश्यू की वजह से रायन सेरेना को फ़ोन देने से मना कर देता है और इस बात से सेरेना को काफ़ी अजीब लगता है। अब इस तरफ रात के अंधेरे में जेडन जून और जॉन को रास्ता दिखाकर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में जेडन का पैर एक माइन पर पड़ जाता है। जून और जॉन जेडन की मदद कर पाते हैं, उससे पहले ही माइन का बम फट जाता है और जेडन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। जून और जॉन जेडन की मदद कर ही रहे थे, लेकिन बम फटने की वजह से बहुत जोर का धमाका हुआ था जिस वजह से आर्मी उनकी तरफ आ रही थी और तब जून और जॉन को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन आर्मी ने उन लोगों को देख लिया था और वे सभी जून और जॉन को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एपिसोड 5 ख़त्म होता है और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 6, जहाँ पर जून और जॉन को एक ट्रक में बांध के आर्मी ले जा रही थी। जॉन पैनिक कर रहा था तो जून जॉन को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों को आर्मी एक फैक्ट्री जैसे जगह पर ले जाते हैं और उनकी फ़ोटोज लेते हैं। जून के मुताबिक वे लोग अभी भी नो मैन्स लैंड पर थे तो उनका कोई हक नहीं बनता था कि वे लोग उन दोनों को ऐसे कैद करके रखें। जून उनको गिलेट के कुछ लोगों को कॉल करने को कहती है ताकि उनको पता चले कि वे दोनों कौन हैं और शायद जून मिस्टर लॉरेंस और निक को कॉल करने के लिए कहने वाली थी। जून उनको अपना नाम भी बताती है और तब वे लोग जून और जॉन को एक रूम में कैद कर लेते हैं। फिर अगले दिन सेरेना का अल्ट्रासाउंड था और सेरेना हॉस्पिटल जाने वाली थी, लेकिन डॉक्टर लैंड्रोस घर पर ही सेरेना का अल्ट्रासाउंड करने के लिए आ जाते हैं और तभी सेरेना को पता चलता है कि सेरेना के लिए रायन और लियोनिस ने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए हर जरूरी सामान घर पर ही रखा है। और आखिर वे लोग सेरेना के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे थे, ये बात सेरेना को भी बड़ी अजीब लग रही थी। डॉक्टर लैंड्रोस का भी बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब था और लैंड्रोस सेरेना को डिनर के लिए इनवाइट करता है। लैंड्रोस यहाँ पर सेरेना को इनडायरेक्टली डेट पर बुला रहा था। दूसरी तरफ एरिका को डॉक्टर से पता चलता है कि एस्टर को होश आ चुका है, लेकिन एस्टर को तो हेलमेट बनने के लिए किसी के घर भेजा नहीं था। एस्टर यहाँ पर हेलमेट के हॉस्टल में थी तो इन 3 हफ्तों में उसका किसी और के साथ में अफेयर भी नहीं हो सकता था। एरिका फिर एस्टर से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है
कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। एस्टर एरिका को सच बताने से डर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो असली गलती हैंडमेड की मानी जाती है। लेकिन एरिका एस्टर से प्रॉमिस करती है कि वो एस्टर को कोई भी सजा नहीं दिलाएगी। और तब जाकर सच सबके सामने आता है। 3 हफ्तों के पहले फ्रेड का फ्यूनरल काल के घर पर था, और उस टाइम एरिका एस्टर को काल के घर पर लेकर गई थी ये बताने के लिए कि कुछ दिनों के बाद में एस्टर उनकी हेडमेड होगी। और उसी टाइम एस्टर काल के साथ में उसके रूम में अकेली थी, और तभी काल ने एस्टर का रेप किया था, और इसी दौरान एस्टर प्रेग्नेंट हो गई थी। ये सुनकर एरिका को काल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एस्टर से माफ़ी भी मांगती है। लेकिन एस्टर के साथ में जो भी इतने सालों से हैरेसमेंट हो रहा था, उस वजह से एस्टर अपना आपा खो देती है, और वो एरिका पर चिल्लाने लगते हैं। एरिका फौरन जाकर ये बात मिस्टर लॉरेंस को बताती है, और एरिका चाहती थी कि काल को रेप की सज़ा मिले। लेकिन मिस्टर लॉरेंस के मुताबिक उन लोगों को प्रेग्नेंट हेडमेट चाहिए, जो कि उनको मिल चुकी है, तो काल को किस बात की सज़ा मिलेगी। लेकिन एरिका के मुताबिक एस्टर को काल के घर हेडमेट के लिए अपॉइंट करने से पहले ही काल ने एस्टर का रेप किया था, और रेप के लिए काल को सज़ा मिलनी चाहिए। एरिका के फोर्स करने पर मिस्टर लॉरेंस बाकी कमांडर के साथ इस रेप के केस को डिस्कस करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जून जॉन को 2 दिन से उन लोगों ने ऐसे ही बांध कर रखा हुआ था। जॉन के लिए ऐसे बंद रहना बिल्कुल नया था, लेकिन जून तो कितने ही बार इसी सजा को पा चुकी थी। लेकिन जो भी हो, जून इतनी बुरी हालत में हर बार फंस कर भी सर्वाइव कर चुकी थी। यहाँ पर सेरेना लियोनिस को डॉक्टर लैंड्रोस के डेट पर बुलाने की बात करती है, लेकिन सेरेना उनके साथ डेट पर जाना नहीं चाहती थी। लेकिन लियोनिस सेरेना को लैंड्रोस के साथ डेट पर जाने को कहती है, और उसके मुताबिक ये सेरेना के बेबी के लिए अच्छा होगा, उसको एक फादर मिलेगा, और सेरेना एक सिंगल मदर बनकर कब तक जिएगी। सेरेना के मुताबिक वो एक विडो है, और वो अकेले ही अपने बच्चे को बड़ा कर सकती है, और शायद वो अब कभी भी शादी नहीं करेगी। सेरेना फिर बाहर वॉक पर जाना चाहती थी, लेकिन लियोनिस के मुताबिक सेरेना को रेस्ट करना था। सेरेना फिर भी बाहर जाना चाहती थी, लेकिन लियोनिस सेरेना को ऑर्डर देकर उसके रूम में जाने को कहती है। सेरेना उनके घर में रह रही थी, तो उसको उनकी हर बात माननी थी, पर वो घर सेरेना के लिए एक जेल जैसा था, जिसमें सेरेना को अब बहुत ही ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। अब इधर वो आर्मी जून के पास आकर गलेट में उसकी रियल आइडेंटिटी निकलाने के लिए उसका फिंगरप्रिंट ले रहे थे, और जून उनको मिस्टर लॉरेंस से बात करने को कहती है, लेकिन वे लोग जून की बात नहीं सुनते हैं। जून के फिंगरप्रिंट लेने के टाइम जॉन भागने की कोशिश करता है, लेकिन आर्मी के लोग जॉन को पकड़कर बुरी तरीके से मारते और पीटते हैं, और उसे वापस जेल में बांध कर रख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ल ने जो एस्टर का रेप किया था, तो रात को मिस्टर लॉरेंस और निक उसके बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन कार्ल के बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि उसको अपनी गलती का कोई भी पछतावा नहीं था। कार्ल तो एस्टर की प्रेगनेंसी की बात सुनकर बड़ा खुश था, क्योंकि अब उसको एक बेबी जो मिलने वाला था। इधर दूसरी तरफ रात के टाइम रायन सेरेना को बात करने के लिए बुलाता है। रायन से सेरेना को ये पता चलता है कि जून को रायन के लोगों ने पकड़ लिया है, और अगले दिन एज़रा जाकर जून को मार डालेगा, और अब सेरेना को जून से डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सेरेना यहाँ पर एज़रा के साथ जाकर जून को मरता हुआ देखना चाहती थी, ताकि सेरेना अपने होने वाले बच्चे को ये बता पाए कि जिसने उसके फादर को मारा वो किलर कैसे मारा गया। रायन सेरेना को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन सेरेना की जिद करने पर रायन सेरेना को कल एज़रा के साथ में जाने की परमिशन दे देता है। अब अगले दिन जून जॉन से सॉरी कहती है, क्योंकि सब कुछ जाने के बाद भी जून जॉन को ऐसे खतरनाक जगह पर लेकर आई। लेकिन जॉन खुद ही हर कदम पर जून के साथ में रहना चाहता था, वो अब कभी भी जून को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जॉन को डर लग रहा था कि अब इसके बाद उन दोनों को गलेट में ले जाकर मार दिया जाएगा, और जून जॉन को कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, और अब वे फिर से अलग हो भी जाएंगे, तो वे दोनों फिर से एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ सेरेना एज़रा के साथ में जून को मारने के लिए कार में निकलती है, और देखकर ऐसा लग रहा था कि लियोनिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सेरेना घर से बाहर कहीं पर जा रही है। रायन के ऑर्डर की वजह से लियोनिस सेरेना को रोक भी नहीं सकती थी, और फिर इस तरफ जून और जॉन को एक दूसरे से अलग गाड़ियों में अलग रास्ते से ले जाया जाता है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए डर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि दोनों के साथ में क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि गलेट में काल और सारा एक रेस्टोरेंट में थे, और वहाँ पर बाकी अमीर लोग और कमांडर उनको अजीब तरीके से देख रहे थे, और कोई भी उनके साथ बात नहीं कर रहा था। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि बाकी के लोग उनको ऐसे क्यों देख रहे हैं। और तभी कुछ आर्मी आकर काल को पकड़कर रेस्टोरेंट के बाहर मिस्टर लॉरेंस और निक के पास में लाती है। बाहर मिस्टर लॉरेंस काल को बताते हैं कि रेप उनके गलेट में एक पाप है, तो काल को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन काल के मुताबिक एस्टर उनके हैंडमेड है, तो एस्टर के ऊपर उनका हक बनता है।
लेकिन जब काल ने एस्टर का रेप किया था तब तक एस्टर हैंडमेड नहीं बनी थी, तो काल ने रेप ही किया है जिसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। काल उनको रिक्वेस्ट करता है कि उसको सजा न दी जाए क्योंकि उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन तभी निक काल के सर पर गोली मारकर वहीं पर उसे मार डालता है और काल को ऐसा मरता हुआ देखकर सारा बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। निक फिर घर आता है, रिबेका डर रही थी कि इस तरह कहीं निक को कोई सजा न मिले। निक किस वजह से ऐसा बनता जा रहा था, निक का ऐसा बनने का कारण क्या था, ये बात रिबेका निक से पूछती है। निक ने इसलिए किया था क्योंकि फ्यूचर में उसका बच्चा गलेट में सेफ रहे और काल जैसा आदमी बच्चों का फायदा न उठाए। इधर दूसरी तरफ काल की डेड बॉडी को पब्लिकली फांसी पर लटका देते हैं और एरिका सभी हैंडमेड को बता रही थी कि कोई भी हो, कितना भी अमीर और बड़ा आदमी हो या कोई लोअर क्लास का क्यों ना हो, जो भी रूल तोड़ेगा उनको ऐसी सजा दी जाएगी और गलेट के रूल्स सभी के लिए इक्वल हैं। इस तरफ एक जगह पर गाड़ी रुकती है और एजरा उस गाड़ी के अंदर आकर जून के बारे में उन आदमी से कहता है। वो आर्मी जून को एजरा के हवाले कर देते हैं और गाड़ी वहाँ से चल देती है। गाड़ी के बाहर जून सेरेना को देखती है और दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कहने लगती है। सेरेना के कहने पर एजरा जून को घुटनों पर बिठा देता है। एजरा जून को गोली मारने वाला था लेकिन सेरेना एजरा से घर मांगती है। जून ने जिस तरह उसके हस्बैंड फ्रेड को मारा था, सेरेना खुद जून को मारना चाहती थी तो इसीलिए एजरा सेरेना को गन दे देता है। सेरेना जून पर गन को पॉइंट करती है लेकिन सेरेना जून को नहीं बल्कि एजरा को गोली मार देती है। एजरा ने अपनी बॉडी पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था तो वो मरता नहीं है लेकिन वो जख्मी हो जाता है। सेरेना जून को फौरन कार में बैठने को कहती है और खुद भी कार में बैठ जाती है। सेरेना जून को कार चलाने को कहती है और जून को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सेरेना ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन जून सेरेना की बात मानकर कार चलाकर सेरेना को वहाँ से ले जाती है और यहीं पर ये दोनों एपिसोड खत्म होते हैं। दोस्तों, इन एपिसोड्स में हमने देखा कि जून और जॉन कनाडा की बॉर्डर पार करके नो मैंस लैंड तक आ गए थे लेकिन वहाँ पर उनको रायन के लोगों ने पकड़ लिया। जून और जॉन को जेडन से एलिजाबेथ के बारे में बहुत कुछ पता चला और उनके पास एलिजाबेथ को बचाने के लिए टाइम बहुत कम था, नहीं तो उसको भी वाइफ बना दिया जाएगा। काल ने यहाँ पर एस्टर का रेप किया था जिस वजह से उसको सजा दी गई थी। और कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों न रहे, गलेट में रूल तोड़ने वाले को सजा जरूर मिलेगी। सेरेना को यहाँ पर रायन, लियोनिस और एजरा ने कैद करके रखा हुआ था और उसको ज़रा भी घर के बाहर जाने नहीं दिया जाता था जिस वजह से सेरेना बहुत ही घुटन महसूस कर रही थी और इसीलिए मौका देखकर सेरेना जून के साथ में भाग गई थी। और अब जून सेरेना की मदद करेगी या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आप हमारी सीरीज़ में ज़रूर बने रहेगा और अगर आपने हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो ऑन ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, हॉरर सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं हैंडमेड टेल सीजन 5 के एपिसोड 7 और एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हैंडमेड टेल्स को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। इसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हैं और इसे 92% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। तो इस सीरीज में हमने देखा देश के बदले हुए हालातों की वजह से औरतों पर क्या असर पड़ता है। उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी जाती है, न उनके पास कोई अधिकार होते हैं न अच्छी ज़िंदगी। तो आइए चलिए डिटेल में सीरीज़ को देखते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें क्योंकि मैं जल्द ही और भी ऐसी सीरीज को लेकर आने वाला हूं। तो अब आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेरेना ने जून को मारा नहीं था बल्कि उसने उसे बचाया था। तो अब क्या जून सेरेना की मदद करेगी वहां से निकलने में, या फिर सेरेना जून को मार डालेगी, और क्या जून जिंदा वापस जून के पास आ पाएगा, यही हम आज के इन एपिसोड में देखेंगे। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां पर हम जून और सेरेना को देखते हैं। दोनों कार में वहां से दूर जा रहे थे और सेरेना ने अभी भी जून को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। जून सेरेना को जॉन के बारे में पूछ रही थी पर सेरेना को खुद ही नहीं पता था कि जॉन कहां पर है। फिर कुछ दूर जाने के बाद सेरेना को लेबर पेन होने लगता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और दर्द की वजह से गलती से सेरेना से गोली चल जाती है। लेकिन किसी तरह जून उस गोली से बच जाती है और गोली कार की विंडो पर लगती है। लेकिन सही टाइम पर जून कार को कंट्रोल कर लेती है और सेरेना के गोली चलाने की वजह से जून कार को रोककर
कार से उतर जाती है। फिर कार से उतरकर जून वहां से भागने लगती है, लेकिन सेरेना जून से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे छोड़कर ना जाए और वो उसको गोली नहीं मारेगी, लेकिन जून फिर भी वहां पर नहीं रुकती है और वो भागती रहती है। जून के चले जाने के बाद में सेरेना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और वो कार को खुद ड्राइव करने लगती है, लेकिन लेबर पेन होने की वजह से सेरेना कार पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और एक जगह पर उसकी कार अटक जाती है। इसे देखकर जून वापस से सेरेना के पास में आती है और जून सेरेना को कार से बाहर निकालती है और कार को फंसी हुई जगह से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो कार नहीं निकलती है। जून भी सेरेना को हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है, लेकिन सेरेना हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी। उसको ये डर था कि लियोनीज और रैन वहाँ पर आकर सेरेना के बेबी को उससे छीन लेंगे। अब जून को वहाँ पर पास ही में एक अबैंडन्ड घर दिखाई देता है जहाँ पर वो सेरेना को लेकर जाती है। फिर हमें सेरेना के पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सेरेना जून को एक हैंडमेड के डिलीवर पर लेकर गई थी और वहाँ पर हैंडमेड की मालकिन रिचुअल के हिसाब से लेबर पेन होने का झूठा नाटक कर रही थी, जिसे देखकर जून और सेरेना को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जून सेरेना को लेबर पेन में कम्फर्ट कर रही थी और सेरेना को बहुत दर्द हो रहा था। सेरेना ने कभी नहीं सोचा था कि उसको इतनी ज़्यादा ठंडी में जंगल के बीच में एक घर में बेबी को डिलीवर करना पड़ सकता है। जून यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताती है कि जब उसने निकोल को इतनी ठंडी में अकेले डिलीवर किया था तब उसको लगा था कि वो अब मर जाएगी और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जून ने किसी तरह निकोल को डिलीवर किया। लेकिन यहाँ पर सेरेना अकेली नहीं थी, उसके पास तो जून थी। सेरेना को इतने पेन में देखकर जून उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन सेरेना को ऐसा लग रहा था कि जून यहाँ पर उसके बेबी को और उसे दोनों को मार डालेगी। सेरेना जून को अपने पास में नहीं आने दे रही थी और गुस्सा होकर जून सेरेना को खुद ही बेबी डिलीवर करने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जून भी वापस कार के पास में आती है, लेकिन वो कार को निकाल नहीं पा रही थी और जून को पास का टाइम याद आता है जहाँ पर वही हैंडमेड उस बेबी को डिलीवर नहीं कर पा रही थी और उसको बहुत ब्लड लॉस्ट भी हुआ था। तब वो डॉक्टर को बुलाकर सिजेरियन ऑपरेशन करके बेबी को निकाला गया था, पर उसके बाद में वो हैंडमेड जिंदा नहीं बची थी और मारी गई थी। लेकिन वैसे भी अब गलियट में लोग बेबी को बचाते हैं, माँ को बिल्कुल भी नहीं। फिर प्रेजेंट टाइम में जून ने बहुत कुछ आइडिया लगाकर कार को उस फंसी हुई जगह से निकाल लिया था, लेकिन वो सेरेना के बारे में सोचकर वहाँ से नहीं निकल पाई थी और सेरेना के पास में वापस आ गई थी। जून को वापस उसकी मदद के लिए आता देखकर सेरेना अब खुश हो रही थी और एक नॉर्मल डिलीवरी में जिन बातों का ध्यान रखना होता है उन्हीं को फॉलो करके जून सेरेना को डिलीवरी होने में हिम्मत दे रही थी और उसकी वो मदद भी कर रही थी। फिर बहुत टाइम की मशक्कत के बाद में फाइनली सेरेना अपने बेबी को डिलीवर करती है, जो कि बिल्कुल ठीक था। और बेबी को देखकर सेरेना और जून दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश थे और सेरेना अपने इस छोटे से बेबी का नाम नोआ रखती है। सेरेना फिर जून से पूछती है कि जून ने फ्रेड को मारा, लेकिन गन होने के बाद भी जून ने उस दिन सेरेना को क्यों नहीं मारा। सेरेना भले ही एक हैंडमेड नहीं बल्कि वाइफ थी, लेकिन सेरेना ने भी वाइफ बनकर बहुत कुछ सहा था और अब सेरेना को माँ बनने का मौका मिला था। ये देखकर जून उस टाइम सेरेना को मार नहीं पाई थी। सेरेना सोच रही थी कि अगर नोआ बड़ा होकर फ्रेड की तरह बना तो क्या होगा, और जून सेरेना को बताती है कि सेरेना अपने बेटे को जिस तरह जो सिखाकर बड़ा करेगी वो वैसा ही बनेगा। सेरेना और बेबी को अब भी डॉक्टर की केयर की जरूरत थी, तो इसीलिए जून सेरेना को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन सेरेना अभी भी हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। फिर जून के पूछने पर सेरेना तब जाकर बताने लगती है कि सेरेना जहाँ पर रह रही थी वहाँ के मालिक रायन और लियोनिस सेरेना को एक हैंडमेड की तरह ट्रीट करते थे और उसे घर के बाहर तक नहीं जाने दिया जाता था। सेरेना को बहुत ही बुखार था और उस जगह पर बहुत ही ठंड थी और उनके पास न पानी था और न ही खाना, और इस तरह सेरेना और उसका बेबी मर सकता था। जून सेरेना को ये समझाती है कि अगर वो ये नहीं चाहती है कि उसका बेबी उसके सामने मर जाए तो उसको यहाँ से निकलकर एक दूसरी जगह पर जाना ही होगा ताकि उसको प्रॉपर केयर मिले। और तब सेरेना जून को ये रिक्वेस्ट करती है कि जून उसके बेबी को कनाडा ले जाए और उसको जॉन के साथ में मिलकर अपने बच्चे की तरह बड़ा करें। सेरेना को कोई भी फ्यूचर नहीं था और उसके बेबी का फ्यूचर खराब हो उससे अच्छा ये है कि जून उसके बेबी को रख ले। सेरेना को कोई भी अपना नहीं बचा था और सेरेना अब सिर्फ जून पर ही भरोसा कर सकती थी। सेरेना यहाँ भी ये जानती थी कि जॉन बहुत अच्छा आदमी है और वो फ्रेड की तरह नहीं है, और शायद सेरेना और उसके बेबी के साथ बस यहीं तक का था। एक टाइम पर सेरेना ने जून के साथ में बहुत ही बुरा बिहेव किया था, जिसके लिए सेरेना जून से माफ़ी मांगती है। लेकिन यहाँ पर जून सेरेना को ये समझाती है कि यह गलत नहीं है कि बेबी पैदा होने के बाद में बेबी को उसकी माँ से छीन लिया जाए
नोवा सेरेना का ही बेबी है तो सेरेना को खुद ही अपने बेबी को बड़ा करना चाहिए और उसके बेबी पर सिर्फ सेरेना का ही हक है। तब जाकर सेरेना जून की बात मान जाती है और यहाँ पर हम जून और सेरेना के बीच में एक अनकही दोस्ती को देख पाते हैं। जून फौरन ही सेरेना को पास के एक हॉस्पिटल में लेकर आती है और जून सेरेना को ये यकीन दिलाती है कि वो यहीं पर उसी के पास ही रहेगी। सेरेना को डॉक्टर ले जाते हैं और जून जॉन के बारे में जानने के लिए लिली को कॉल करती है। फिर कुछ टाइम के बाद में जून सेरेना के पास आती है और सेरेना और उसका बेबी अब बिल्कुल ठीक थे। सेरेना को अपने बेबी की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी और जून सेरेना को ये यकीन दिलाती है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जून ने जो सेरेना की मदद की थी, सेरेना उसके लिए जून को थैंक्स भी कहती है। अब जून फिर रूम से बाहर आती है जहाँ पर उसे जॉन मिलता है और जॉन बिल्कुल ठीक था। जून जॉन को सेरेना के बेबी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर तभी वहाँ पर दो इमिग्रेशन ऑफिसर आते हैं जो कि सेरेना के बारे में पूछ रहे थे और तब जाकर जून को सेरेना की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। दोनों ऑफिसर सेरेना के पास जाते हैं और जून भी उनके पीछे पीछे जाती है। सेरेना के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे कि वो कनाडा में रह पाए, तो इसीलिए सेरेना को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। लेकिन सेरेना के डिस्चार्ज होने तक अथॉरिटीज सेरेना को हॉस्पिटल के बेड पर ही हथकड़ी लगाकर रख देते हैं और सेरेना के बेबी को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जॉन ने की थी और जॉन ने ये सब इसलिए किया था ताकि सेरेना को भी ये महसूस हो कि एक माँ से उसका बच्चा छीन जाने के बाद में कैसा लगता है। सेरेना जून से रो रो कर मदद मांग रही थी कि उसके बेबी को उससे दूर न किया जाए और जून उसकी मदद करें, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जून को भी नहीं पता था कि वो क्या करें। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 8 जिसकी शुरुआत में जून अपनी बेटी एलिजाबेथ को याद करके रो रही थी और प्रेजेंट टाइम में सेरेना इमिग्रेशन सेंटर से जून को बार बार कॉल कर रही थी और जून उसके कॉल को इग्नोर कर रही थी। घर में मोरिया, नीना और जॉन थे जिनके मुताबिक सेरेना किसी भी हेल्प के लायक नहीं थी। फिर बाहर प्रोटेस्टर रेफ्यूजी को कनाडा से बाहर करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और कनाडा के लोग रेफ्यूजी से हद से ज़्यादा नफरत कर रहे थे। इधर गलेट में भी मिस्टर लॉरेंस बाकी कमांडर को बता रहे थे कि जिस तरह लोग उनके देश से भाग रहे थे ये उनके देश के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। कनाडा में उनके रेफ्यूजीज के साथ में बहुत ही बुरा बिहेव किया जा रहा था, तो मिस्टर लॉरेंस ये चाहते थे कि उन रेफ्यूजीज को गलेट के एक कॉलोनी में रहने के लिए दिया जाए और उनको वापस गलेट में उनके अपनों के साथ में मिला दिया जाए। और गलेट में अगर नए लॉ के पहले जैसे ही रूल और न्यू लॉ के रूल को मिला दिया जाए तो उनका देश अमेरिका से बहुत ही आगे बढ़ सकता था। लेकिन बाकी के कमांडर्स मिस्टर लॉरेंस की बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, पर मिस्टर लॉरेंस अपना डिसीजन ले चुके थे और उनके फैसले के लिए वे कनाडा के कुछ रेफ्यूजी फैमिली से बात भी करने वाले थे। फिर इधर हमें इमिग्रेशन ऑफिस में सेरेना दिखाई जाती है जिसको ब्रेस्ट पंप से नोवा के लिए दूध निकालना पड़ रहा था। उसका बेटा नोवा सेरेना के पास था नहीं, लेकिन नोवा के लिए सेरेना को दूध निकालकर नोवा असल में लियोनिस के पास में था और तभी लियोनिस सेरेना के पास दूध लेने के लिए आती है। सेरेना लियोनिस से नोवा के बारे में पूछती है पर लियोनिस सेरेना को ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। सेरेना लियोनिस से ये माफ़ी मांगती है कि जिस तरह वो इज़रा को गोली मारकर भागी थी उसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाए। और सेरेना को लियोनिस ऐसा दिखा रही थी कि सेरेना एक बेबी को बड़ा करने के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर नोवा जब भी रोता था तो लियोनिस उसको संभालती नहीं थी बल्कि उसको और ज़्यादा रोने देती थी। लियोनिस के मुताबिक इस तरह बेबी मेंटली स्ट्रांग हो रहा था। फिर इधर कनाडा के प्रोटेस्टर्स ने बहुत बहुत गलत बातें जून के घर के बाहर लिख दी थी और जून जॉन और मोरिया वो सब कुछ साफ कर रहे थे। जॉन अब यहाँ से दूर जाना चाहता था पर जून कहीं और जाना नहीं चाहती थी क्योंकि कनाडा के पास ही गलेट था और गलेट में एलिजाबेथ थी। तभी जून को मिस्टर लॉरेंस का कॉल आता है जो कि जून को मिलने के लिए बुलाते हैं और जून तब मिस्टर लॉरेंस से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर लॉरेंस जून को बताते हैं कि गलेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बेबी का बर्थ रेट है जो कि खत्म हो रहा है, लेकिन न्यू लॉ के आने के बाद में अब वो प्रॉब्लम भी ठीक हो चुकी है और उनके पास में अब बहुत सारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर जनरेशन अब सेफ है। लेकिन इन सभी को सही करने के चक्कर में बहुत सारे लोगों और हैंडमेड्स को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो मिस्टर लॉरेंस पहले की तरह गलेट को ठीक करना चाहते थे। लेकिन जून तो बस यहाँ पर सिर्फ अपनी बेटी एलिजाबेथ को पाना चाहती थी। मिस्टर लॉरेंस एलिजाबेथ को वहाँ से निकाल तो नहीं सकते थे, लेकिन जून को वापस गलेट के एक आइलैंड में रख सकते थे ताकि जून एलिजाबेथ के पास में रहे और उस आइलैंड में कोई हैंडमेड नहीं होगी। जून अगर चाहे तो पहले की तरह वहाँ पर बुक लिख सकती थी और मिस्टर लॉरेंस उस आइलैंड पर सभी रेफ्यूजीज को रखना चाहते थे,
मिस्टर लॉरेंस से जून को पता चलता है कि एलिजाबेथ के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उसको जल्दी ही किसी की भी वाइफ बना दिया जाएगा। लेकिन उस आइलैंड पर मिस्टर लॉरेंस जून को एलिजाबेथ से मिला सकते थे और दोनों एक साथ वहाँ पर रह सकते थे। मिस्टर लॉरेंस जून को एक फ़ोन देते हैं ताकि अपना डिसीजन लेने के बाद में जून मिस्टर लॉरेंस को बता पाए। फिर घर आकर जून जॉन से सारी बातें कहती है, लेकिन जॉन किसी भी कीमत पर गैलेट में वापस नहीं जाना चाहता था और ना ही वो जून को गैलेट में वापस भेजना चाहता था। जून यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस पर भी विश्वास नहीं करता था और जून के लिए मिस्टर लॉरेंस एक दोस्त हो सकते थे, लेकिन जॉन के लिए मिस्टर लॉरेंस गैलेट का एक कमांडर ही था जिसके नए लॉ के आइडियाज़ की वजह से ही यह सब हो रहा था। अब जून को यह पता नहीं था कि मिस्टर लॉरेंस की बातें सच थी या झूठ, लेकिन एलिजाबेथ को पाने के लिए जून किसी भी हद तक जा सकती थी और इसीलिए जून गैलेट में वापस जाना चाहती थी। फिर इस बात पर जून और जॉन के बीच में झगड़ा होता है और मिस्टर लॉरेंस ने कई बार बहुत सारे लोगों की मदद की थी। जून को मिस्टर लॉरेंस पर पूरा भरोसा था और सेरेना ने जून के साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन फिर भी जून ने उसकी मदद की थी। जिस बात से जॉन जून पर गुस्सा हो रहा था कि जिस तरह जॉन ने इमिग्रेशन ऑफिसर को सेरेना के बारे में बताकर उसको अपने बेबी से अलग कर दिया, लेकिन जॉन ये चाहता था कि जून सिर्फ जॉन और निकोल के साथ अपनी लाइफ बिताए। एलिजाबेथ को तो जॉन कैसे भी वापस ले आएगा और ये जॉन जून से प्रॉमिस करता है। फिर इधर मिस्टर लॉरेंस सेरेना से मिलने जाते हैं और सेरेना नोवा को पाने के लिए मिस्टर लॉरेंस से मदद मांगती है। मिस्टर लॉरेंस सेरेना को अपने बेबी के लिए लियोनिस के घर पर फिर से रहने को कहते हैं और इस तरह अगर सेरेना अपने बेबी से दूर रही तो उसका बेबी पर हक नहीं रहेगा और इस टाइम पर सेरेना का अपने बेबी के लिए लियोनिस के घर पर रहना ही ठीक है। लियोनिस भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सेरेना को वापस अपने घर में रख लेंगे। सेरेना लियोनिस के घर पर रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन लियोनिस और रैन सेरेना के लिए बस उस बेबी के किडनैपर थे। सेरेना खुद को एक हैंडमेड की तरह नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अपने बेबी के साथ रहने के लिए। अब इधर जून निकोल को बता रही थी कि वो चाहती है कि निकोल उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ से मिले और जून की ये बात सुनकर जॉन भी बहुत इमोशनल होता है। अगले दिन फिर जून से मिलने के लिए मार्क आता है और जॉन ने मार्क को मिस्टर लॉरेंस के ऑफर के बारे में बता दिया था। मार्क के मुताबिक जून को वापस गैलेट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बाकी के लोग भी गैलेट को सेफ समझकर जून को फॉलो करके गैलेट में चले जाएंगे। पर जून अभी भी एलिजाबेथ को पाने के लिए कोई भी रिस्क ले सकती थी और वैसे भी मार्क ने एलिजाबेथ की कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालने में या फिर एलिजाबेथ को वापस लाने के लिए जून की कोई भी मदद नहीं की थी, तो इसीलिए जून मार्क की बात क्यों मानेगी। जून फिर से इस बारे में नीना से बात करती है और नीना का भी यही कहना था कि अगर नीना का बेटा कहीं भी फंसा होता तो नीना उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती। नीना की ये बात सुनकर जून में और भी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है और सेरेना जून को एक दोस्त मानकर उसे मदद मांगती है ताकि वो अपने बेटे नोवा को वापस पा सके। पर जून यहाँ पर सेरेना को ये याद दिलाती है कि वो दोनों दोस्त नहीं है। सेरेना ने जून के साथ में जो कुछ भी किया जून वो सब अब तक नहीं भूली है और ना ही जून सेरेना को कभी भी माफ़ कर पाएगी। और उसी दिन जून ने सेरेना की मदद इसलिए की थी क्योंकि सेरेना का बेबी इनोसेंट था, इन सब में उस बेबी की कोई भी गलती नहीं थी। अब जून सेरेना को एडवाइस करती है कि उसको लियोनिस के घर पर ही रहना चाहिए और एक हैंडमेड की तरह ही बिहेव कर वहाँ पर उसे रहना चाहिए। जून के मुताबिक अगर सेरेना अपने बेबी के साथ में नहीं रहेगी तो वो उसकी मदद कभी भी नहीं कर पाएगी। जून फिर मिस्टर लॉरेंस से मिलने के लिए जाती है और एलिजाबेथ की शादी रोकने को कहती है क्योंकि जून ये नहीं चाहती थी कि 12 साल की एक लड़की की शादी उससे डबल एज के आदमी के साथ में हो जाए और वो उसका हर दिन रेप करे। मिस्टर लॉरेंस उस शादी को रोक नहीं सकते थे, लेकिन जून को एलिजाबेथ के पास रख सकते थे ताकि जून एलिजाबेथ पर नजर रख पाए। जून के मुताबिक ये सब मिस्टर लॉरेंस के निकाले गए नए लॉ की वजह से था और मिस्टर लॉरेंस ने यह सब गैलेट की ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए किया था, पर उनको भी नहीं पता था कि ये सब बाद में इस हद तक चला जाएगा। मिस्टर लॉरेंस कोशिश कर रहे थे गैलेट को बदलने की। एलिजाबेथ भले ही एक ब्राइड बन जाए, लेकिन निकोल कभी भी चाइल्ड ब्राइड नहीं बनेगी और गैलेट के उस आइलैंड पर सभी लोग आज़ादी से अपनी लाइफ को जी पाएंगे। अब उसी रात जून के घर पर कोई एक पैकेट छोड़कर गया था और उस पैकेट में एक सीडी थी। जून और जॉन उस सीडी को चलाकर देखते हैं जहाँ पर एलिजाबेथ के वाइफ स्कूल की वीडियो थी और इतने दिनों के बाद में अपनी बेटी को देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। जून अब किसी भी कीमत पर एलिजाबेथ को वहाँ से निकालना चाहती थी और जून यहाँ पर जॉन को ये भी कहती है कि इतने सालों में जॉन कुछ नहीं कर पाया तो अब भी जॉन कुछ नहीं कर पाएगा और ये सुनकर जॉन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी जॉन निकोल को गैलेट नहीं ले जाएगा
पर जून को एलिजाबेथ के लिए गिलेट जाना ही था, क्योंकि जून को आज भी पछतावा है कि एलिजाबेथ को वो अकेला छोड़कर वो गिलेट से बाहर चली आई। हमें अब गिलेट का वही आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लॉरेंस ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलोनी बनाई थी और वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे घर थे। मिस्टर लॉरेंस निक को बता रहे थे कि उनमें से एक घर में रिबेका और उसका बेबी है और दूसरे घर में जून और उसका बेबी निकोल रहेगी। निक यहाँ पर अपने दोनों बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएगा और जून ही इस आइलैंड की लीडर होगी। गिलेट के इस आइलैंड को मिस्टर लॉरेंस एक कासाध्यक्ष बनाना चाहते थे। और इस तरफ जॉन ने मार्क को एलिजाबेथ की वीडियो दिखाई थी। मार्क उनको ये यकीन दिलाता है कि उसको कुछ टाइम दे और वो एलिजाबेथ को उनके पास में लाकर ही रहेगा। यहाँ पर अब सेरेना भी लियोनिस के घर वापस जाती है और वो लियोनिस और रायन से माफी मांगती है उनके घर से इस तरह भागने के लिए। लेकिन लियोनिस यहाँ पर सेरेना को बता देती है कि सेरेना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करेगी और उसके अलावा बेबी का सारा काम लियोनिस खुद ही करेगी और उसके मुताबिक सेरेना माँ बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं थी। सेरेना को लियोनिस की बात पर बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। सेरेना फिर अपने बेटे नोआ के पास में जाती है और इतने दिनों के बाद में नोआ को गोद में लेकर सेरेना बहुत ही ज़्यादा खुश थी। नोआ को खुद ब्रेस्ट फीडिंग करके सेरेना को माँ बनने की खुशी महसूस हो रही थी। फिर इस तरफ जून मार्केट जाती है कि तभी उसको मार्क को कॉल आता है जिसने एलिजाबेथ को ढूंढ लिया था और वो जल्दी ही एलिजाबेथ को वापस ला रहा था। और ये सुनकर जून फौरन घर जाती है और खुशी से जॉन को ये बात बताती है और अपनी बेटी को वापस आने की बात सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एपिसोड भी खत्म होते हैं। दोस्तों इन एपिसोड्स में हमने देखा कि जून ने सेरेना की मदद की बेबी को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि सेरेना ने जो भी जून के साथ में किया था उसमें उसके बेबी की कोई भी गलती नहीं थी और जून सेरेना को कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने उसके बेबी को बचाया। मिस्टर लॉरेंस ने जून को ऑफर तो दिया था गिलेट के नए आइलैंड में एलिजाबेथ के साथ में रहने का, लेकिन इस तरह जून को जॉन और निकोल से अलग रहना पड़ेगा। तो इसीलिए दोनों ने मार्क की मदद ली थी और अब शायद मार्क एलिजाबेथ को गिलेट से निकाल पाए। यहाँ पर सेरेना के साथ अब वही हो रहा था जो कि जून के साथ में एक टाइम पर हुआ था, जैसे कि जून ने भी सेरेना के घर से भागकर कहीं और उसके बेबी को डिलीवर किया था और सेरेना ने भी लियोनिस के घर से भागकर उसके बेबी को कहीं और डिलीवर किया था। जून से भी निकोल को सेरेना और फ्रेड ने छीन लिया था और सेरेना से भी नोआ को लियोनिस और रायन ने छीन लिया था। जून को भी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए घर में वापस रखा गया था और सेरेना को भी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए घर में रखा गया था। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जून को अपनी बेटी निकोल के ऊपर कोई भी हक नहीं दिया गया था और सेरेना को भी सेम जून की तरह अपने बेटे नोआ पर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कोई भी हक नहीं दिया गया था। तो इसी तरह अब सेरेना को एक हैंडमेड का दर्द समझ आ रहा था, एक हैंडमेड की तरह बन गई थी। तो दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे अच्छे अच्छे कमेंट लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। इस सीजन के दो एपिसोड और बचे हुए हैं जिनको मैं जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप इन वीडियोज़ को एंजॉय करें और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए और भी